ऑफ इंग्लिश एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास एडवाइस वाणी सर। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लेटर राइटिंग का, और पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको अध्ययन करवाया है एप्लीकेशन लेटर, एडिटर लेटर और बिजनेस लेटर। आज इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ऑफिशियल लेटर का, कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है, कार्यालय पत्र क्या होता है। तो देखो जरा ध्यान से, हम बात करते हैं आज ऑफिशियल लेटर की। किसकी बात करते हैं? ऑफिशियल लेटर की, कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है, कार्यालय पत्र क्या होता है। यानी हम लोग चर्चा किसकी करते हैं? ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालय पत्रों की हम चर्चा करते हैं कि कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। बट आपको पता है कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में हम किसी भी समस्या को लेकर के शिकायत करने के लिए कार्यालय पत्र लिखते हैं, कोई जांच पड़ताल करने के लिए कार्यालय पत्र लिखते हैं, या कोई सूचना देने और लेने के लिए हम कार्यालय पत्र लिखते हैं। यानी बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि कार्यालय पत्र है वो किसके लिए लिखा जाता है? एक तो लिखा जाता है फॉर रजिस्ट्रिंग कंप्लेंट्स, भाई शिकायत दर्ज कराने के लिए, फॉर रजिस्ट्रिंग कंप्लेंट्स, शिकायत दर्ज करवाने के लिए लिखा जाता है। एक लिखा जाता है फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, क्या करने के लिए, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल करने के लिए, आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस बात को कि कार्यालय पत्र है वो तीन तरीके से लिखा जाता है। एक तो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के लिए, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज के लिए, और एक आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना देने और सूचना लेने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इनको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अगर मान लो किसी समस्या है, कोई परेशानी है, कोई बात है, उसकी हम शिकायत कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कुछ लिखते हैं, कोई जांच पड़ताल के बारे में हम क्या कुछ लिखते हैं, कोई बात पूछ रहे हैं या कोई सूचना हम दे रहे हैं या ले रहे हैं कोई सूचना, तो उसमें हम क्या कुछ लिखते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रख करके चलना, ऑफिशियल लेटर की शुरुआत है आपको निम्न में से किसी भी पंक्ति से कर देनी है। ये लाइन आपकी एक तो कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इस लाइन से कर दो आप, या फिर इस लाइन से शुरुआत कर दो, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, इस लाइन से आप शुरुआत कर दो, या फिर इसकी जगह ये लाइन भी लिख सकते हो कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, इस लाइन से भी आप शुरुआत कर सकते हो। यानी निम्न में से किसी भी पंक्ति से आप ऑफिशियल लेटर की शुरुआत कर सकते हो। बेटा, इसके बाद में आपको यहाँ पे दो और तीन पैराग्राफ आपको याद रख के चढ़ना है। आपको दो और तीन पैराग्राफ्स हैं, वो आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करवा रहे हो उसके बारे में लिखो, कोई इंक्वायरी कर रहे हो तो उसके बारे में लिखो, या कोई सूचना दे रहे हो, सूचना ले रहे हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसकी जो क्लोजिंग लाइन होती है, जो लास्ट लाइन होती है, वो क्लोजिंग लाइन में आपको ये पंक्ति लिख देनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली एंड ड्यू टू नो इट फुल एज सून एज पॉसिबल।
आपको इस लाइन से शुरुआत कर देनी है, इस लाइन से आपको इसकी समाप्ति कर देनी है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली एंड डू टू नीड फॉर एज सून एज पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लोग क्या है कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनकी शुरुआत निम्न में से किसी भी पंक्ति से कर सकते हैं, और दो या तीन पैराग्राफ लिखने के बाद में क्लोजिंग लाइन में हम लोग ये लाइन लिख देंगे। अब हम चर्चा करते हैं बेटा, एक प्रश्न आया हुआ है फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन एक बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो जरा ध्यान से, परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपके कस्बे में जो बिजली की अनियमित आपूर्ति है उसके ऊपर आप लोग क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। किसको? कलेक्टर को। मैंने अभी बताया था किसी भी सरकारी और गैर सरकारी विभाग को लिखा जाने वाला पत्र होता है वो कार्यालय पत्र होता है, जिसमें किसी भी बात की या समस्या की शिकायत करने के लिए लिखा जाता है, कोई जांच पड़ताल करने के लिए, कोई सूचना देने और लेने के लिए लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बनाते हैं बेसिकली, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अपना खुद का पता लिखते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पते में लिख दिया शिव कॉलोनी झुंझुनू, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ करके दिनांक लगा दी आज की 24 अगस्त 2020, फिर मैंने एक लाइन वापस खाली छोड़ दी और मैंने लिख दिया द कलेक्टर। किसको लिख रहा हूँ? राइट लेटर टू द कलेक्टर, आपको बताइए। मैंने लिख दिया द कलेक्टर और आपने लिख दिया झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कोई दिक्कत? ये होने के बाद में आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? आपने सब्जेक्ट में लिख दिया फॉर कंप्लेनिंग, आपने लिख दिया फॉर शिकायत करने के लिए कंप्लेनिंग अबाउट दी इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये होने के बाद में आपको सर और सर के नीचे बेटा आपको शुरुआत करना है इस लाइन से, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन that the residents of our area have to undergo sufferings due to the frequent breakdowns of electricity। बेटा ये लाइन आपने लिख दी। लाइन क्या है कि आई वॉन्ट टू ट्राई योर काइंड अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया के, हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं, हैव टू अंडरगो सफरिंग्स ड्यू टू द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी लगातार जो बिजली कट रही है इससे बहुत ज़्यादा दुखी है, इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। समझ लो, ये लाइन आप लिख दो। फिर इसमें लिख दो कि गर्मियों के मौसम में जब पारा है वो 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वो लोग रातों में, यानी रातें हैं वो बिना सोए गुजार देते हैं। आप लोग क्या लिख दोगे? इसमें लिख दो कि इन समर, यानी गर्मियों में वैन द मर्करी
शूट्स अप 46 डिग्री सेल्सियस द हेल्पलेस रेजिडेंट्स स्पेन स्लीपलेस नाइट्स। कि गर्मियों में जब पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो बेचारे या एसआई जो रेजिडेंट्स हैं लोग हैं वो यानी स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड करते हैं, बिना सोए रात बिताते हैं। ये लाइन आप लोग लिख दो। फिर इसमें लिख दो कि देयर हैव बीन मैनी थेफ्ट्स इन द एरिया, इस एरिया में बहुत सारी चोरी लूटपाट होती रहती है। आप ये लिख दो कि देयर, भाई आपको पता ही है कि लाइट नहीं होगी, अंधेरे में तो चोर फायदे उठाएंगे इस चीज़ का, कि देयर हैव बीन मैनी थेफ्ट्स इन द एरिया। आपने लिख दिया कि द लो वोल्टेज हैज बीन ए रेगुलर प्रॉब्लम। बेटा मान लो लाइट आती है तो लाइट की सबसे मोटी जो समस्या है वो क्या है, लो वोल्टेज है, यानी उसका वोल्टेज है बहुत ही कम है, बल्ब है वो मतलब जलता है ना तो एकदम पतली सा तार सा उसमें जलता रहता है, मतलब दिखाई इतना देता ही नहीं है उससे। आपने ये लिख दिया। उसके बाद में आप लोग इसमें क्या लिख दोगे, आपने लिख दिया कि सबसे ज़्यादा इससे परेशान दुखी स्टूडेंट्स है, तो आपने लिख दिया कि द वर्स्ट सफर्स आर द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, विद्यार्थी हैं। आपने लिख दिया कि दे हैव टू स्टडी, उनको अध्ययन करना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी इन कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी में, कैंडल लाइट एट नाइट रात्रि में, ड्यूरिंग के दौरान एग्जामिनेशन परीक्षा डेज दिनों एग्जामिनेशन डेज। आपने क्या लिख दिया कि उनको परीक्षा के दिनों के दौरान रात्रि में मोमबत्ती के प्रकाश में अध्ययन करना पड़ता है। अब आप इसमें भी लिख दो कि हमने बहुत बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसकी शिकायत भी की है। आपने लिख दिया कि वी हैव इन्फॉर्म्ड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बट ही ऑलवेज से, वो हमेशा ही कहता है दैट एक्सेसिव लोड इज मैन काज ऑफ दिस इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि हम क्या करते हैं, हम लोगों ने उसको सूचना दी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, लेकिन वो हमेशा ही क्या कहता है कि भाई इसकी जो इरेगुलर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका मुख्य कारण क्या है, एक्सेसिव लोड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, उस लोड की वजह से ये बिजली में या जो लाइट है इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बारी बारी से ब्रेकडाउन होते रहते हैं। आप लास्ट में ये लाइन लिख दोगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली एंड ड्यू टू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल।
आपने ये लाइन लिख दी बेटा, और ये लिखने के बाद में आपने यहाँ पे लगा दिया थैंकिंग यू, और उसके बाद में आपने लिख दिया योर्स फेथफुली, और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग ऑफिशियल लेटर को बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग लाइन लिखिए, उसके बाद में आप लोग अपनी दो या तीन पैराग्राफ में अपनी समस्या को बताइए, और बाद में लास्ट में क्लोजिंग लाइन लिख दीजिए। अब बेटा देखो, इसके साथ मैं पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उनको हल करने की कोशिश करना। तो देखो जरा, तो स्टूडेंट्स ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। ये प्रश्न 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि आपके विद्यालय के जो लाइब्रेरियन है उसके दुर्व्यवहार के बारे में आप प्रिंसिपल को शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। और दूसरा लेटर 2019 की परीक्षा के अंदर आया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में, कि यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट दी इनसेनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी की जो बुरी बदतर हालत है उसकी शिकायत करते हुए आप एक पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो दो प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन प्रश्नों के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और आशा करता हूँ कि कंप्लेनिंग लेटर यानी रजिस्टरिंग कंप्लेंट है ऑफिशियल लेटर, वो आपके अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स।